हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। गाइस, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको बोन्स पढ़ाऊंगी। बोन्स मतलब पूरा बोन्स वाला कंसेप्ट नहीं, बट उससे रिलेटेड कुछ अच्छे से पॉइंट्स जो आपको पता चले कि आपको अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखना है। हड्डियां मजबूत रखना जरूरी है। जैसे मानिए सपोज कहीं पे आप लड़ भिड़ जाते हैं किसी से, तो वो सबसे पहले आपकी हड्डियां ही तोड़ते हैं, है ना। तो आप उनका जो एक्चुअल नंबर होता है 206 उससे ज्यादा ना बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको आज बोन्स करवाने वाली हूँ। गाइस, जो बोन्स है ना, सबसे पहली चीज जब भी हम हड्डियों के बारे में सोचते हैं ना, तो स्केलेटन के अलावा और भी चीजें होती हैं जो आपको बोन्स के बारे में पता होनी चाहिए। इनका जो नंबर होता है 206, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको बोन्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो जो वीडियो है उसमें मैं आपको यही करवाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो जब आप लास्ट तक देख लेंगे तो अगर ऑब्वियसली पूरा देख रहे हैं तो मतलब अच्छी तो लगेगी आपको, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थोड़ी मुझे खुशी मिल जाएगा, आपका क्या जाएगा मुझे एक बात बताइए, अगर आप लाइक कर देंगे और थोड़ी मेरे फेस पे स्माइल आ जाएगी तो उससे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो लास्ट तक देख कर फिर लाइक करना, ताकि आपको लगे कि लाइक डिजर्व करती है तो ही करना, अदरवाइज मत करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। बोन्स, हड्डियां, स्केलेटन, ढांचा वगैरह वगैरह, है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट बोन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो उसमें लार्जेस्ट बोन होती है, अब इसका आंसर ना आप में से 50% तो यही दे देंगे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वो सबसे लंबी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है वो है फीमर। जो साइंटिफिक नेम है ना वो है फीमर, और ये होती कौन सी है? थाई बोन होती है। जो आपकी थाइस की जो बोन होती है, जांग की जो हड्डी होती है, उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट बोन या फिर लार्जेस्ट, सबसे लंबी या सबसे जो बड़ी बोन है, हड्डी है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो वो कौन सी है? फीमर, जिसको कहते हैं थाई बोन। क्लियर हो गई ये चीज। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क तो आपका कहीं नहीं गया। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो गया तो ये इसकी स्पेलिंग है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, फीमर है। वैसे अगर आप कुछ ज्यादा ही मॉडर्न टाइप के बच्चे हैं और आप इस तरीके से नहीं पढ़ते, मतलब अलग ही आपका पढ़ने का तरीका है, तो प्लीज आप उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। वैसे इसको मैं फीमर ही बोल रही हूँ। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है बोन से रिलेटेड वो है कि व्हेन अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन्स द स्केलेटन दे कैन टेल। जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो किसी स्केलेटन को मतलब हड्डियों के एक ढांचे को जब वो देखते हैं तो वो उसमें क्या क्या चीजें बता सकते हैं। फॉरेंसिक वर्ड जब दिमाग में आता है या कहीं सुनते हैं तो सीधा सीधा सीआईडी के भक्त अगर आप रहे हैं तो सीआईडी आपके दिमाग में होगा ही होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी सीआईडी नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना फेमस था ना सीआईडी। जैसे अभी भी है, लेकिन पहले के टाइम पे लोगों में एक अलग ही लेवल पे क्रेज था। तो फॉरेंसिक, उसमें आपने डॉक्टर सालुके का रोल भी देखा होगा। वो क्या थे? फॉरेंसिक एक्सपर्ट से आपने ये भी देखा होगा कि वो क्या करते थे, मतलब कोई भी स्केलेटन है, कोई भी डेड बॉडी है, उससे देख के सब कुछ बता देते थे, इवन फेस तक क्रिएट कर देते थे। करते थे कि नहीं? इवन अभी भी करते हैं, सॉरी। लेकिन फॉरेंसिक वर्ड आपको वहां से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगा होगा, क्योंकि उसके बाद में ही हमने सुना था, इवन मैंने भी तभी सुना था कि फॉरेंसिक जैसा भी कुछ वर्ड होता है, कोई ऐसी टर्म होती है। नाउ इसमें हम टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत मजाक कर दिया मैंने आपके साथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो किसी स्केलेटन को देख के क्या क्या चीजें बता सकते हैं। सबसे पहली चीज जो बता सकते हैं वो उसका सेक्स बता सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं कि मतलब वो मेल है या फीमेल है, मतलब कि वो क्या है, ये चीज बता सकते हैं। सेकेंड चीज जो बता सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक स्केलेटन से, वो उसकी एज, मतलब कि जैसे मैंने आपको जो प्लांट्स पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो ट्री होते हैं, सॉरी, उनकी एज आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उनके ट्रंक पे, उनके तने पे ना नंबर ऑफ रिंग्स को कैलकुलेट करके। सेम चीज जो स्केलेटन है उससे हम किसी की एज को भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एज और जेंडर, सेक्स के अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आप बता सकते हैं वो है सर्टेन कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि यूजुअली जो डेथ है ना वो उसकी किससे हुई है। जैसे कि सपोज मानिए कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है हार्ट के पास में, लंग्स के, मतलब कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी कोई बोन फ्रैक्चर हुई है तो वो आपको पता चल जाता है। या फिर ब्रोन में ब्रेकेज है, मतलब कि गला दबाया है, कैसी चीजें, ये सब चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपके अंदर का शेरलॉक होम्स नहीं जगाऊंगी, आप नॉर्मल इसको याद रख लेना कि आप जेंडर, सेक्स बता सकते हैं, एज बता सकते हैं या सर्टेन कॉज ऑफ डेथ कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है एक स्केलेटन को देख के। सब नहीं बता सकते तो आप ट्राई मत करना। ओके, नाउ देखिए, व्हेन अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन अ स्केलेटन दे कैन टेल, क्या क्या बता सकते हैं वो? एज बता सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं, सर्टेन कॉज ऑफ डेथ बता सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशंस नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स। स्टार्टिंग में मैंने ना एक चीज बोली थी कि जैसे मानिए सपोज आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, बात हड्डियां तोड़ने पर आ जाती है, तो किसकी हड्डी कितनी देर में टूटेगी, कौन कितनी देर में निपटेगा, तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी बोन्स की हेल्थ के ऊपर, कि जो आपकी हड्डियां हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी जो बोन्स है ना उनकी हेल्थ कैसी है, और वो किस किस न्यूट्रिशंस के ऊपर डिपेंड करती है। हमें मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन इससे पहले तो आपने जो पढ़ा है, जो आपको पता है, वो क्या हो गया, कैल्शियम। डेफिनेटली पता होगा, आपकी मम्मा कहती होगी कि दूध पी लो क्योंकि कैल्शियम मिलेगा, आपकी बॉडी को हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि मुझे तो यही कह के दूध पिलाया जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो आपने सुना ही होगा, इवन टीवी में एड भी आपने सुनी होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमारी बोन्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टिव मैंने यहाँ लिखे, इवन ऑलमोस्ट सारे यही होते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो कि जो मैंने नहीं बताया हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको रहता है कि नहीं अभी तो ये तो रह ही गया, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारे न्यूट्रिशंस यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहला आता है कैल्शियम, सबसे कॉमन CA इसे डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। ये सब नहीं बताऊंगी, सिंपल आपको न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कैल्शियम, सेकेंड वन इज मैग्नीशियम और जिंक, जिसे MG से डिनोट करते हैं, ZN हो गया जिंक, ये हो गया। इसके बाद में आता है विटामिन डी और विटामिन डी, जो कि आपको कहाँ से मिल रही है, सन से। अच्छा, ये सन से मिलती है या सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडीज को क्रिएट करती है, ये मुझे भी ना कंफ्यूजन है, तो जरा प्लीज कमेंट करिएगा कि कौन सी वाली बात सच है। जो विटामिन डी है क्या वो आपको सन से मिलती है, या फिर जब सन रेज, सनलाइट आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी बॉडी उसको क्रिएट करती है। इसको जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा, वैसे मुझे भी इसका आंसर शायद पता है, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोटीन। अब ये चार न्यूट्रिशंस मैंने आपको बताया, फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड वन इज जिंक एंड मैग्नीशियम एंड विटामिन्स, विटामिन डी 5 हो गए वैसे तो, और एक प्रोटीन। बोन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, बाकी के क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी मैं बोर्ड से साइड में हट जाती हूँ ना, तो बिना बोले सीधा सिंपल सा मतलब उसका यही है कि स्क्रीनशॉट या फिर वहां पे वीडियो को पोस्ट करिए, और जो जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, जो आपको इफेक्टिव लगते हैं, आपके अकॉर्डिंग सही लगते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको अपनी नोटबुक में लिखे। मेरे हटने की वजह सिर्फ यही होती है, तो उसको यूटिलाइज किया कीजिए, क्योंकि जब मैं सामने खड़े हो जाऊंगी तो आपको दिखाई कैसे देगा बोर्ड। इसलिए नाउ मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपके बाकी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।